हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आई एस पी सेज पॉसिबली। आई एम प्रेम कुमार और इस वीडियो में हम लोग बिहार एज ए बैकवर्ड स्टेट क्यों है, बिहार पिछड़ा हुआ क्यों है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये मेंस के लिए हमने नोट्स बनाया था, आई थिंक मैंने डाला भी था आपको। ये इंटरव्यू और 67 बीपीसी इंटरव्यू और 69 बीपीसी मेंस वगैरह सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप तो चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। यहाँ आप देखिए तो कुछ हम लोगों ने रीजन्स का पॉइंट बनाया, शॉर्ट में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। आपको ये पता है कि बिहार एक तरह से बहुत ही डाइवर्स ये है, मतलब ये स्टेट है, और आप बता सकते हैं कि पॉपुलेशन के दृष्टि से कितना, मतलब कि ये है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, आप लोग कमेंट बताइए। देखिए, ये प्री का क्वेश्चन हो जाएगा, क्यों बिहार बैकवर्ड स्टेट है इसके बारे में। देखिए, आप लोगों को भी पता हो, ग्रास रूट लेवल पर अगर गाँव वगैरह से हो या जो भी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्री हैं तो उसी पर डिपेंडेंट रहते हैं, मतलब कृषि और कृषि आधारित उद्योग पर ज़्यादा लोग का डिपेंडेंसी है। तो ये हम लोग पास सब्सिस्टेंस खेती होता है, मतलब कि जितना हम लोग को जरूरत का नीड है उतना ही हम लोग खेती में उगा पाते हैं, ज़्यादा सरप्लस नहीं हो पाता, मॉडर्नाइजेशन नहीं है एग्रीकल्चर का, ठीक है। और आपको देख सकते हैं जैसे कि मैकेनाइजेशन नहीं है या जो भी अवेयरनेस नहीं है लोगों में, तो ये सारा चीज़। अब एग्रीकल्चर एक अलग सा टॉपिक बन जाता है, एग्रीकल्चर में पीछे क्यों है ये इंडिया, सॉरी बिहार, या हेल्थ में क्यों है ये 67 मेंस में तो पूछा हुआ था, तो वो अलग सा टॉपिक हो जाएगा। हम लोग इसके बाद कुछ ये बिहार का डिस्कस करने के बाद इशू, उसका सोल्यूशन डिस्कस करने के बाद ये स्कीम वगैरह भी डिस्कस करेंगे जो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा हर सेक्टर वाइज। तो देखिए, दूसरा मतलब कि सबसे बड़ा इशू है कि बाढ़ ये, और यहाँ पे सूखा, ड्रॉट, हेल्थ फ्लड एंड ड्रॉट, ये भी मेंस के साइंस एंड टेक में आपको पूछा जाता है, ये अलग सा टॉपिक हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में ये आप लोग अलग से कर लीजिए। जैसे कोसी को सौरव बिहार बोला जाता है, ये तो आप लोग भी जानते हैं, ये बंगाल का सौरव किसको दामोदर को बोला जाता है कमेंट बताइएगा। देखिए, हम लोग के पास ये अभी लेटेस्ट का आप लोग डाटा देख लीजिएगा, अभी मैंने जहाँ तक देखा था आपको 31 डिस्ट्रिक्ट के आसपास ये बाढ़ का समस्या देखने को मिला है 38 जिला में, डिस्ट्रिक्ट में, और इतना एरिया जो है 73% के आसपास एरिया देख सकते हैं वो 3/4 एरिया जो है बाढ़ के चपेट में रहता है। और ड्रॉट में देखिएगा तो ये भी 65 कम नहीं है, पूरा दक्षिण, ये मैप में आप लोग दिखाते ही होंगे बिहार का, ये साउथ वाला जितना भी बिहार है ये सब सूखा के एरिया में रहता है, और नॉर्थ वाले में पूरा फ्लड आता है और ये गंगा जो है यहाँ से फ्लो करती है। तो 76% पॉपुलेशन जो है इसी के थ्रेट में रहते हैं, ड्रॉट और फ्लड, फ्लड में सॉरी। और देखिए, पर कैपिटा इनकम मतलब बिहार का कम है, ये भी एक रीज़न बता सकते हैं। अभी का डाटा जो देखिएगा उसमें आई थिंक 54,383 है, ये आपको इकोनॉमिक सर्वे 22-23 का है, 54,383। देखिए, हम लोग पास टाइम बचेगा तो हम लोग इकोनॉमिक सर्वे बजट भी कराने का प्रयास करेंगे, ये सब पुराना डाटा है, आप लोग देख लीजिएगा। इंडिया का भी कंपेरिजन कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा मतलब ग्रोथ नहीं देखने को मिला, बिग इंडस्ट्री का कमी है। जैसे मान लीजिए कोई ये सॉफ्टवेयर का भी ये आपको कोई हब नहीं है, सर्विस सेक्टर में ग्रो कर रहा है बिहार लेकिन फिर भी पीछे है। जिस इंडस्ट्री में देखिए, ये सरकार तो काम कर रही है स्टार्टअप पॉलिसी वगैरह जो भी, लेकिन इतना रिसोर्स भी नहीं है और लोग पास, ये इंडस्ट्री वाला एक अलग सा टॉपिक बन जाता है, क्यों लोग इंडस्ट्री में नहीं आना चाहते हैं, सरकारी गवर्नमेंट के जॉब के साइड में क्यों ज़्यादा मतलब कि इंक्लाइंड होते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट उधर क्यों होता है, ये सारा चीज़। तो देखिए, और जैसे इंडस्ट्री में देखा जाए ना तो लोग जो है अपने तरफ फंड का भी कमी, लोग उतना ज़्यादा अमीर नहीं है अभी, तो अदर स्टेट में जाकर वो जैसे दिल्ली, नोएडा इधर आकर अपना मतलब कि कंपनी या जो भी बनाना है, फैक्ट्री वगैरह स्थापित कर रहे हैं, तो वो चीज़ है। और ये फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी 1993 में आया था, इसको भी आप लोग ये जिक्र कर सकते हैं। ये स्किल्स हम लोग पास बहुत कम है, ये पहले का डाटा है, 5% से कम, अगर बजट वगैरह में कहीं पर मिल जाए तो बता सकते हैं या अप्रोक्स बोल सकते हैं। इंटरप्रेनरशिप बहुत कम है, सरकार तो काम कर ही रही है, जैसे कि अभी देखिएगा तो सरकार जो है उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, युवा उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना, ये सब लेकर आई है, 10 लाख तक का लोन है, ये सब चीज़ आप लोग उसमें मेंशन कर सकते हैं। लैंड के एक्विजिशन, कास्टिज्म, ये सब बहुत ज़्यादा मतलब कि अपने यहाँ पे है। जैसे देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, जैसे कि कोई है उनके पास कट्ठा मतलब कि बीघा एकड़ में ज़मीन है, किसी के पास एकदम धूर में ज़मीन है, बहुत ही कम, ये सब। जैसे आप बताइए, 3 कट्ठे सिस्टम होता था, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे ही खेती होता था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और 20 कट्ठा को 1 बीघा बोलते हैं, ये सारी चीज़। कास्टिज्म, ये कास्ट पॉलिटिक्स तो आप लोग भी जानते होंगे, कास्ट सेंसस भी चल रहा है, ये टॉपिक हम लोगों ने डाल दिया है, आप लोग नहीं देखो तो जरूर देख लीजिएगा, ये भी पॉइंट है। और यहाँ पे देख सकते हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन बिहार में, जिस, अब देखिए मान लीजिए कि गाँव है तो गाँव में उतना ज़्यादा जैसे कि सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट करना या सब चीज़ का सुविधा नहीं हो पाता ना, ऑर्गेनाइजेशन का डाटा ये तो अभी बढ़ गया है, आई थिंक कि आपको पहले 11.3 था ये सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग, और बजट सर्वे के अकॉर्डिंग देखिएगा तो आई थिंक 15 या 16 है, इसको चेक कर लीजिएगा एक बार, तो ये देख लीजिएगा। 1 मिनट रुकिए, मैं बता भी देता हूँ आपको।
देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आपको जो ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है वो एक बार आप लोग देख लीजिएगा ऑर्गेनाइजेशन का कितना डाटा चल रहा है। देखिए यहाँ पे गोवा में देखा जाए तो 62% है, ये देख सकते हैं इसका ऑलमोस्ट 5.5 गुना। तो ये चीज़ आप लोग कंपेरिजन में भी अगर दिखाना हो मेंस वगैरह में तो डाल सकते हैं। और पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन, ये तो सबसे बड़ा, मतलब कि बिहार ही छोड़िए, आपको पूरा इंडिया भर में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। एडीआर का रिपोर्ट था आपको ये भी 2002 में, तो 17वीं लोकसभा में 43% जो है आपको जो भी ये नेता लोग चुन के आए थे वो क्रिमिनल मतलब कि बैकग्राउंड से थे। बिहार में अगर देखा जाए तो 32-40 में से 32 मतलब लोकसभा में जो जाते हैं उसमें ये क्रिमिनलाइजेशन में रिलेटेड है। और 243 जो आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट है, जो मतलब एमएलए लोग हैं, उसमें से 160 से ज़्यादा जो नेता थे वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से दिखे गए थे। बिहार का ये डाटा है, तो ये भी आप लोग अगर लिखना हो तो ये लिख सकते हैं। और पॉपुलेशन का बात देखिएगा तो बिहार तो एक है ही कि मतलब कि आपको डेमोग्राफिक जो ये पॉपुलेशन है उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, और ये पॉपुलेशन का एक बर्डन बनते जा रहा है। टीएफआर देखिएगा तो ये आई थिंक ये पहले का डाटा है 3.4, ये आप लोग लेटेस्ट वाला देख लीजिएगा। 2.21 का टारगेट रखा गया था, यार आपको 2.3 या जो भी है ये चेक कर लीजिएगा एक बार। और डेंसिटी में देखिएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, मतलब कि जितना एरिया में लोग को रहना चाहिए उससे ज़्यादा लोग मतलब कि हैं, मतलब कि ये भी एक मतलब कि बर्डन ही है। मान लीजिए अब जितना रिसोर्स उस एरिया में अवेलेबल है उससे ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो ये भी एक पॉइंट हो जाएगा। लिटरेसी रेट देखिएगा तो 61% है आपको सेंसस के अकॉर्डिंग, और अगर ये देखिए इंडिया का 74% था तो ये इंडिया से तो कम है ही, इसको भी देख सकते हैं। और NFHS 5 का जो डाटा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का अभी रिपोर्ट, उसमें लिटरेसी रेट देख लीजिएगा, ये बिहार का 290 है और इंडिया का 220 है। तो ये देख सकते हैं बिहार का बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, ये चीज़ देख सकते हैं। अभी तो ये इम्प्रूवमेंट में भी दिखा सकते हैं, और ये मैं लिटरेसी रेट नहीं, ये आपको सेक्स रेशो बता रहा हूँ। अवेयरनेस पीपल में थोड़ा सा कम है, वहाँ पे अभी भी लोग जो हैं मतलब कि एजुकेशन का मामला कम है, तो ये सारा चीज़ बता सकते हैं। हेल्थ में भी पीछा हुआ है, इसलिए बिहार पीछा हुआ है। करप्शन बहुत ज़्यादा चलता है वहाँ पे, अफसरशाही ये जो चीज़ है करप्शन वाला, ये घोटाला वगैरह सब आप लोग न्यूज़ में सुनते ही होंगे। गवर्नमेंट जॉब के प्रति लोग का एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा है, बिजनेस में नहीं जाना चाहते हैं। जैसे सिविल सर्विस का केस आप भी देखते होंगे कि बिहार से होता है। लैंड लॉक स्टेट है तो इसे मतलब कि एक्सपोर्ट में ये थोड़ा सा पिछड़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए अब बंगाल है उसके पास हुगली है तो वहाँ से, या मुंबई है उसके आसपास, तो केरला है उसके पास समुद्र का रास्ता है, तो ये अदर कंट्री या अदर स्टेट में इजीली कर देते हैं। तो ये सारा चीज़ें कास्ट पॉलिटिक्स मैंने ऊपर बता दिया था। और पॉलिटिक्स का इनस्टेबिलिटी रहता है, जैसे अभी आप देख सकते हैं भाजपा से ये सरकार, मतलब ये बोलना नहीं है इंटरव्यू में, भाजपा से तोड़ के राजद में जुड़ गई, ये सारा चीज़ बार बार। ये पॉलिटिक्स जब इनस्टेबल रहेगा, अस्टेबल नहीं रहेगा, तो आपको डेवलपमेंट कार्य नहीं कर पाएंगे, तो ये लोग पॉलिटिक्स में उलझे रहते हैं। तो ये भी चीज़ है, तो गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है ये भी चेंज करने का थोड़ा सा करना पड़ेगा, और पॉलिटिकल विल का भी थोड़ा कमी है देख सकते हैं ये। तो इसको भी फॉरवर्ड करने के लिए वही सारा चीज़ जो प्रॉब्लम है इंडस्ट्री में डेवलपमेंट करने के लिए क्या स्कीम है वो सब, या आपके तरफ से कुछ मतलब कि क्या करा जाना चाहिए, जॉब्स वर्सेस बिजनेस डेवलपमेंट पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स ऐसा होना चाहिए कि जिससे डेवलपमेंट निकले, ऐसा नहीं कि मतलब कि लोग केवल पॉलिटिक्स में कास्ट और क्रिमिनल ये सब सारे चीज़ देख रहे हो, नहीं। और डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है उसको बेहतर से बेहतर यूटिलाइज करने का मतलब कि ये सरकार की तरफ से कार्य किया जाना चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास युवा लोग 15 से 64 वर्ष के या 62 वर्ष के जो लोग हैं बहुत है, लेकिन आप उसको अच्छा स्किल नहीं दे पाइएगा तो उसका बेटर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ये जो आप पर एक बर्डन ही बन जाएगा पॉपुलेशन का, अगर आप उसको स्किल दीजिएगा, आप उसको जॉब दीजिएगा, उसको एम्प्लॉय मतलब कि जो वोकेशनल चीज़ें हैं उसको एजुकेट करिएगा, तो ये आपके लिए बेनिफिट मतलब कि आपके लिए एक असेट का काम करेगा, अदरवाइज वो लाइबिलिटी बन जाएगा। तो ये भी चीज़ है। टूरिज्म कल्चर को भी बिहार गवर्नमेंट को जो है और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री से भी सीख लेना चाहिए, जैसे कि हम लोग अभी बहुत सारे चीज़ों में पिछड़े हैं, तो उसको, और रिवर को इंटरलिंकिंग करके जो बाढ़ आती है उस पानी को यूटिलाइज करना चाहिए, अदर स्टेट में भेज सकते हैं ये सब। कोसी में चिल्लिंग की ये अच्छा इनिशिएटिव है, ये सारा चीज़ बोल सकते हैं। और ये तो मतलब कि क्या रीज़न था, इसके पहले हम लोगों ने ये डाल दिया था, आपको कास्ट बेस्ड सेंसस आप लोग जाकर डिस्कशन सुन सकते हैं। और ये नेशनल लेवल पे बहुत सारा हम लोग नो मणिपुर मोदी सरनेम के सीरीज भी डाले हुए हैं, 1 घंटा 1.5 घंटे का वीडियो, उसको भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसके बाद ये स्कीम वाला वीडियो लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पे कुछ और चीज़ देख लेते हैं। देखिए आत्मनिर्भर भारत के स्थान पर आत्मनिर्भर मतलब कि लाइंस पे ही आत्मनिर्भर बिहार को भी लाने का एक प्रयास होना चाहिए। इसमें 7 निश्चय 2.0 जो है बहुत रोजगार मतलब कि
कारगर है, और आपको जीविका जो है चल रहा है, विमेन एम्पावरमेंट के लोग वो सब हैं। और देखिए यहाँ पे आप ये सारा चीज़ स्किल बढ़ाया जाए, एजुकेशन को बढ़ाया जाए, हेल्थ को बढ़ाया जाए, हेल्थ वाला पॉइंट तो पॉवर्टी को कम किया जाए, ठीक है, ये सारा चीज़ डेमोग्राफी जो डिविडेंड है उसको यूटिलाइज किया जाए। जो लोगों का यूथ का जो ये है एटीट्यूड है कि जो जॉब्स करें तो उसको थोड़ा सा बिजनेस की तरफ मोड़ा जाए, इसके लिए सरकार कर भी रही है। ये मुख्यमंत्री जो है आपका उद्यमी योजना है, मुख्यमंत्री आपको महिला उद्यमी योजना है, ये सब स्टार्टअप पॉलिसी है, ये सारा चीज़ आपको बिहार गवर्नमेंट के द्वारा किया भी जा रहा है। और कास्ट पॉलिटिक्स जो हो रहा है उसको कम से कम किया जाए, लोगों को इसमें एजुकेट करिएगा ना तो ये खुद ब खुद कम हो जाएगा। जो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स है उसको और ज़्यादा मतलब कि इन्हेंस किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, और डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है उसको मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा, ये तो ऊपर में मैंने बता दिया था, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट जो है आपको और ज़्यादा मतलब कि बढ़ावा देने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा। अगर अवेयर लोग होंगे तो अपना मतलब कि जो पॉलिटिक्स है उसको समझ पाएंगे, एम्प्लॉय कैसे होंगे, और मान लीजिए स्किल दीजिएगा उनको तो ये, और गवर्नमेंट कर भी रही है, सात निश्चय योजना के तहत स्किल्स सेंटर भी बनाया गया है, और जैसे कि बहुत सारा लोगों को जैसे कंप्यूटर का शिक्षा भी दिया जाए आईटीआई में, और पॉलिटेक्निकल कॉलेज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया, ये सारा चीज़। और ट्रेवल टूरिज्म ऊपर भी मैंने बता दिया, जैसे महाबोधि टेम्पल है, रामायण सर्किट है, ये सारा चीज़। ईस्ट चंपारण में आपको सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का लार्जेस्ट ये टेम्पल बनाया जा रहा है, वो भी सारा पॉइंट आप लोग देख सकते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी पे भी आपको एक तरह से डेवलप किया जा सकता है, लौरिया नंदनगढ़ हो गया, पावापुरी हो गया, ये सारा चीज़ को आप लोग टूरिज्म ट्रेवल से जोड़ सकते हैं, ठीक है। और अपने हिस्ट्री से भी सीख सकते हैं, जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी बेस्ट है, तो हम लोग और भी ज़्यादा इसमें मतलब कि इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अपने देश में। पटना कलाम को आप लोग कल्चर को ये कर सकते हैं, छठ पूजा को और ज़्यादा प्रमोट किया जा सकता है, ये वाला मैंने बता दिया। रिवर इंटरलिंकिंग में ड्रॉट एंड फ्लॉट्स को भी सोल्व करने के लिए कुछ किया जाना चाहिए, जैसे उड़ीसा का एक मॉडल था, ये फोरकास्टिंग मॉडल, और जितना भी मतलब कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ हो सके ये सब लोग हम लोग बता सकते हैं। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है उसका और ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसमें बिहार गवर्नमेंट कर भी रही है, आपको इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी और ये सारा चीज़ लेकर आ रही है, ठीक है फ्रेंड। और ये अनएम्प्लॉयमेंट वाला अलग से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कोई अदर स्कीम्स क्या क्या है, बिहार गवर्नमेंट का मिशन परिवर्तन, हर घर गंगा जल, ये डिजिटल हेल्थ मिशन वगैरह, सात निश्चय टू भी डिस्कस करेंगे, और कुछ कुछ पॉलिसी बिल भी है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।